जय हिंद साथियों। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एएमडी सिक्योरिटी गार्ड के लिए जो भी कैंडिडेट का एडमिट कार्ड जारी हो गया है उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। और जो कैंडिडेट का अभी जो भी स्टेट का एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि आप सभी को फ्रेंड्स हम बता दें कि काफ़ी सारे कैंडिडेट को डाउट है वेट को लेकर के, कि क्या ओवर वेट में या कम वेट है तो क्या वहाँ पर फिजिकल से वो लोग बाहर कर देंगे, ठीक है। और काफ़ी कैंडिडेट को ये भी डाउट है कि चिनअप्स कितना लगाना होगा, एज के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे चिनअप्स रखा गया है, ठीक है। और ये भी बताएंगे कि जो अभी तक स्टेट का एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है उन लोगों का एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि पल पल का खबर आप सभी को एएमडी सिक्योरिटी गार्ड के बारे में मिलते रहे। तो चलिए आप सभी को पूरे हम डिटेल्स में बताते हैं कि आपको चिनअप्स कितने लगाने होंगे एंड हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट कितनी होनी चाहिए, और जो भी स्टेट का अभी एडमिट कार्ड जारी नहीं किए गए हैं उन लोगों का एडमिट कार्ड कब जारी किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप सभी यहाँ पे हैं परमाणु ऊर्जा विभाग के ऑफिशियल साइट पे। आप लोग यहाँ पे भर्ती जो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। उसके बाद आप लोग दूसरे जगह क्लिक हो गया, यहाँ पे भर्ती का जो ऑप्शन आप सभी को फ्रेंड्स से दिख रहा है यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आप सभी को खुल के नज़र आएगा, ठीक है, भर्ती प्रक्रिया के बारे में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग यहाँ पे जाएंगे व्यू 30/11/2022 के सामने वाले व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो स्टेट का एडमिट कार्ड जारी किया गया है यहाँ पे टोटल दे दिया है। और जब बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल जो भी स्टेट का अभी एडमिट कार्ड कैंडिडेट का जारी नहीं किया गया है यदि उन लोगों का जारी किया जाएगा तो फाइनली यहाँ पे आप सभी को दिखा देगा, ठीक है। तो आप लोग जो है अपना ऑफिशियल साइट पे यहाँ पे आकर के चेक करते रहें, जब जारी किया जाएगा तो आप सभी को फाइनली यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और जो भी स्टेट वाले कैंडिडेट को यहाँ पे जारी कर दिया गया है एडमिट कार्ड, यहाँ कॉल लेटर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, कॉल लेटर डाउनलोड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फाइनली ऑप्शन आप सभी को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा पीटी कॉल लेटर डाउनलोड। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट यहाँ पे जो है ओके करेंगे तो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रजिस्ट्रेशन लॉगिन पासवर्ड डालेंगे और फाइनली यहाँ पे अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम बातें कर लेते हैं चिनअप्स के बारे में और वेट वगैरह के बारे में, ठीक है। तो चलिए आप सभी को ले चलते हैं फुल नोटिफिकेशन पर जो जारी किया गया था एएमडी की तरफ से। हाँ तो फ्रेंड्स, फाइनली आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं पीईटी टेस्ट के लिए जो होगा आपका सिलेक्शन प्रोसेस उसमें आप सभी को क्या क्या करवाया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फिजिकल टेस्ट में आप सभी को क्या क्या यहाँ पे होगा। तो जो भी जनरल कैंडिडेट है यहाँ पे उनका 1.67 हाइट होनी चाहिए, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। और यहाँ पे अदर कैंडिडेट जो भी है, कैंडिडेट जो कि हिल एरिया से आते हैं, गढ़वाली, कुमायूं, हिमाचल प्रदेश के, उनका यहाँ पर मेल कैंडिडेट को 1.65 मांगा है और फीमेल का 1.55, ठीक है। उसके बाद चेस्ट की यदि हम बात कर लें तो नॉर्मल चेस्ट यहाँ पे मांगा गया है आप सभी को 80 और फुला करके 85, और जो भी कैंडिडेट हिल एरिया से आते हैं उनका भी यहाँ पे 80 से 85 मांग गया है। और यहाँ पे एसटी कैंडिडेट को छूट मिला है जो कि 77 नॉर्मल और फुला करके 82 होनी चाहिए। फिजिकल इवेंट्स के बारे में यहाँ पे 1.6 किलोमीटर का रनिंग कंप्लीट करना होगा 6:30 में, और लॉन्ग जंप यहाँ पे 3.65 मीटर से 3 चांस मिलेगा। ये किनका है? ये सिक्योरिटी गार्ड के लिए फ्रेंड्स नहीं है, ये जो है यहाँ पे आप सभी को देखने को मिल जाएगा असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर ए के लिए सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे आप सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे हम पहले बता देते हैं, हाँ लॉन्ग जंप 3.65 मीटर 3 चांस होगा सिक्योरिटी ए ऑफिसर के लिए। और चिनअप्स यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स तो एज के अकॉर्डिंग दिया गया है, जो भी कैंडिडेट अप टू 13 ईयर्स हैं उनको यहाँ पे चिनअप्स 8 से 9 लगाने होंगे, और जो भी कैंडिडेट यहाँ पे 30 से 40 ईयर्स के अंतर्गत आते हैं तो उनको 5 से 6 जो है चिनअप्स लगाने होंगे। पुशअप की यदि बात कर लिया जाए तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे 40 से 45 साल के हैं उनको 16 से 17 यहाँ पे लगाना है, और अबव 45 वाले कैंडिडेट को यहाँ पे 12 से 13 चिनअप्स जो है पुशअप लगाना होगा। और सीटअप्स की यदि हम बात कर ले फ्रेंड्स तो जो भी कैंडिडेट अप टू 13 ईयर्स हैं उनको 25 से 29 लगाना होगा, 30 से 40 ईयर्स के जो अंतर्गत आते हैं उनको 20 से 24 लगाना होगा, और 40 से 45 ईयर्स के कैंडिडेट को 15 से 19 लगाना होगा सीटअप्स, और अबव जो 45 ईयर्स के होंगे उनको 10 से 14 यहां पे लगानी होगी, ठीक है सीटअप्स। तो फाइनली फ्रेंड्स आप लोग यहां पे देख लिए होंगे। यदि हम फीमेल कैंडिडेट को बात कर रहे हैं फ्रेंड्स तो यहां पे
800 मीटर का रनिंग करवाया जाएगा एंड यहाँ पे 4 मिनट टाइम दिया जाएगा। लॉन्ग जंप 2.7 मीटर यानी कि 9 फीट का उन लोगों का लॉन्ग जंप लगाना होगा। 3 चांस यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, सीटअप्स की बात कर ले तो जो भी कैंडिडेट के यहाँ पे जो है अप टू 13 ईयर्स से उनको 20 यहाँ पे सीटअप्स लगाना होगा। फीमेल कैंडिडेट को 13 से 40 ईयर्स के होंगे उनको 15 लगाना होगा। 40 से 45 ईयर्स 12 और एबव 45 ईयर कैंडिडेट को यहाँ पे 10 लगाने होंगे। ठीक है, रिजन टेस्ट यहाँ पे दे रखा है। हम यहाँ पे बातें करने वाले हैं केवल पीडी का। ठीक है, तो आप लोग ये लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे फ्रेंड्स आएंगे तो जो सिक्योरिटी गार्ड है नॉन गजेटेड यहाँ पे सी के अंतर्गत आता है, इनका हम पीटी का सिलेक्शन प्रोसेस समझ लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे कि जो भी जनरल कैटेगरी से आते होंगे कैंडिडेट उनका यहाँ पे 1.67 हाइट रखा गया है और यहाँ पे 1.57 फीमेल कैंडिडेट को रखा गया है। ठीक है, और जो भी कैंडिडेट बिलोंग टू हिल एरिया से आते हैं उनको 1.65 मेल कैंडिडेट को और फीमेल कैंडिडेट को 1.55 रखा गया है। एसटी कैंडिडेट को 1.62 हाइट रखा गया और 1.54 यहाँ पर रखा गया फीमेल कैंडिडेट को। ठीक है, चेस्ट की यदि बात कर ले तो जो भी कैंडिडेट मेल कैंडिडेट है उनको 80 से यहाँ पे 85 रखना होगा और जो भी हिल एरिया से आते हैं 80 से 85 इनका भी है। एसटी कैंडिडेट को यहाँ पे 77 से 82 रखा गया है चेस्ट सिक्योरिटी गार्ड के लिए है। ठीक है, यदि फिजिकल इवेंट्स की हम बात कर लें तो मेल कैंडिडेट को यहाँ पे 100 मीटर्स का रन करना होगा, 16 सेकेंड का टाइम है, लॉन्ग जंप है 3.65 मीटर्स यानी कि 3 चांस इनको दिया जाएगा लॉन्ग जंप के लिए। चिनअप्स की यदि बात कर लें तो जो भी कैंडिडेट 13 ईयर्स अप टू आएंगे उनका यहाँ पे 8 से 9 लगाना होगा और 30 से 40 वाले कैंडिडेट को 5 से 6 चिनअप्स लगाना होगा। ठीक है, चिनअप्स समझ गए आप। यहाँ पे पुशअप की यदि हम बात कर लें तो 40 से 45 वाले जो कैंडिडेट 40 से 45 ईयर्स के अंतर्गत आते हैं उनको 16 से 17 लगाना होगा और एबव 45 वाले कैंडिडेट को पुशअप यहाँ पे 12 से 13 लगानी होगी। ठीक है, सीटअप्स कैंडिडेट के लिए हम बात करें सीटअप्स के लिए तो 13 ईयर्स वाले कैंडिडेट को 25 से 29 लगाना होगा और सीटअप्स यहाँ पे 30 से 40 ईयर्स के अंतर्गत जो आते हैं उनको 20 से 24, 40 से 45 ईयर्स वाले को 15 से 19 और एबव 45 वाले कैंडिडेट 10 से 14 यहाँ पे सीटअप्स लगाएंगे। तो आप लोग फाइनली यहाँ पे समझ गए होंगे कि चिनअप्स पुशअप्स और सीटअप्स एज के अकॉर्डिंग रखा गया है। जो भी कैंडिडेट अपने एज के अकॉर्डिंग आते हैं वो अपने यहाँ पे देख लिए और प्रैक्टिस जारी रखें। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख लिए होंगे फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे हम बातें कर ले फिजिकल इवेंट्स फीमेल कैंडिडेट को, तो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट को 20 सेकंड में 100 मीटर का रनिंग कंप्लीट करना होगा, लॉन्ग जंप 2.7 सेंटीमीटर, 9 फीट, 3 चांस मिलेगा। सीटअप्स इन लोगों का केवल करवाया जाएगा, अप टू 13 ईयर्स वालों को 20, 30 से 40 ईयर्स वालों को 15, 40 से 45 ईयर्स वालों को 12, एबव 45 ईयर्स को 10 यहाँ पे करवाया जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे रिटन टेस्ट के बारे में, तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो भी कैंडिडेट को इसको लेकर डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी भर्तियाँ आती है या जो भी अपडेट आता है उसका अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँच पाए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।